बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कार क्लिनिक। दोस्तों आज हमारा टॉपिक हम रिप्लेस करेंगे वाटर पंप। कार है मर्सिडीज तो E300, तो चलते हैं दोस्तों इसको रिप्लेस करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच रहे। इसके बाद आपने दोस्तों ये खोलना एयर फिल्टर, ये इसका वाटर पंप है। तो चलते हैं खोलते हैं, एक और दो बोल्ट खोलने हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिप और ये, इसके बाद इसको बाहर निकालना। हाँ दोस्तों, इंजन का एयर फिल्टर खुल गया है। तो अब इसके बाद ये खोलते हैं फुल बॉडी वाबा, ये है वाटर बॉडी। दोस्तों इसके बाद ये खोलते हैं, इसके चार बोल्ट हैं, इसके एक दो तीन चार, दो नीचे हैं दो ऊपर हैं और एक ग्रिप इलेक्ट्रॉन है। इसको खोल के बाहर निकालते हैं। हाँ दोस्तों, इसका ये खोल लिया गया है पाइप हवा वाला और फुल बॉडी, इसको और भी वाबा बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये इसको बेल्ट उतारते हैं। बेल्ट उतारने के लिए एडजस्ट बैरिंग है ये, इधर इसको एडजस्ट बैरिंग को कप्स करना है, प्रेस करना है और ये बेल्ट निकाल के फिर इसको वाटर पंप खोलते हैं। ये दोस्तों वाटर पंप पूरा वो अंदर की तरफ, ये है नया वाटर पंप। हाँ दोस्तों, इसका बेल्ट ये जस्ट बैरिंग है, इस 17 नंबर की गोटी लगेगी, उसको प्रेस करना है तो बेल्ट उतर जाएगा। दोस्तों बेल्ट को उतार लिया गया है, तो अब खोलते हैं वाटर पंप। तो वाटर पंप खोलने के लिए आपको कितने बोल्ट खोलने पड़ेंगे, इसके ये लगे हुए सारे बोल्ट। तो इधर तो बहुत मट्टी है, लीकेज है, ऑयल लीकेज है सारा। तो ये बैरिंग इसके साथ ही है, वाटर पंप के साथ ही है। चलते हैं वाटर पंप को खोलते हैं। और ये थर्मोस्टेट भी इसके साथ ही है, वाटर पंप के साथ थर्मोस्टेट और नीचे वाला ये पाइप है, ये भी इसके साथ ही है। चलते हैं अभी शुरू करते हैं इसका, खोलते हैं वाटर पंप। दोस्तों इसका ये बैरिंग है, ये खोलते हैं। उसके बाद ये इसका ऊपर वाला पाइप, ये लॉक है, लॉक को ऊपर करना है। ऐसे प्रेस करना ऊपर आ जाएगा, उसके बाद निकाल लेना पाइप, इसको बैक कर देना है। ये दोस्तों बल्ब फरा रहा है, थर्मोस्टेट है, इसको भी लाजमी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये साथ में है वाटर पंप के। तो इसके तीन बोल्ट लगे हैं और ये चौथा बोल्ट पाइप का है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिप है, ये भी खोलना है। उसके बाद ये पाइप है, इसको भी खोलना है और इसका भी बोल्ट है। हाँ दोस्तों, पाइप इसका बोल्ट खोल लिया मैंने और ये दो ग्रिप इलेक्ट्रॉनिक ये भी खोल लिए हैं। तो पाइप को दोस्तों निकाल लेना है इस तरह। दोस्तों इसके बाद सिर्फ तीन बोल्ट हैं थर्मोस्टेट के, तो ये तीनों बोल्ट खोलने हैं। तो फिर उसके बाद ये पाइप खोलेंगे नीचे वाला।
बहुत मट्टी है ऑयल लीकिंग की वजह से। इसका तीसरा बोल्ट ये लगा हुआ, दोस्तों पहला बोल्ट खुल गया इसका थर्मास्टेट का, और ये भी दूसरा बोल्ट है। और ये तीसरा बोल्ट है इसका, इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ये दोस्तों इसका थर्मास्टेट निकल आया, अंदर लगा हुआ थर्मास्टेट। ये तीन बोल्ट है इसके थर्मास्टेट के जो वाटर पंप के साथ लगे हुए हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये बैरिंग खोलते हैं, इसके नीचे वाटर बाटी है उसके बोल्ट खोलते हैं, और उसके बाद ये पाइप है इसका। दोस्तों इसका लॉक पीछे कर लिया गया है, ये वाला इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों इसके भी तीन बोल्ट है, एक और दो बोल्ट हैं इसके, तो ये इसके साथ ही आएगी वाटर पंप के। तो इसके ये इसका खोलते हैं बैरंग। ये इसका दोस्तों बैरंग खुल गया है, और अभी सिर्फ वाटर पंप के बोल्ट खोलने हैं और रह गए। और वाटर पंप खोलने के लिए क्या चीज़ खोलनी पड़ेगी चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों वाटर पंप को खोलने के लिए आपको ये इसका जो गाइडा है एक लोहे का जिस पे कंप्रेसर लगा है, कंप्रेसर और बैरंग लगा हुआ था, ये खोलना पड़ेगा। एक दो और पीछे एक बोल्ट लगा है, तीन बोल्ट खोलने पड़ेंगे क्योंकि इसके पीछे दोस्तों एक बोल्ट है ये वाला। ये खोलने के बाद फिर ये वाटर बॉडी खुलेगी क्योंकि वाटर बॉडी का एक बोल्ट इसके नीचे है, तो बाकी सारे बोल्ट ऐसे ही खुलेंगे। तो चलो सबसे पहले ये खोलते हैं, फिर इसके बाद वाटर बॉडी को खोलेंगे। हाँ दोस्तों इसका जस्ट बैरंग खोली है इसका, ये जस्ट बैरंग के दो बोल्ट थे। दोनों के दोनों बोल्ट खोल लिए। इसके बाद दोस्तों ये जो नीचे है इसके वाटर पंप के नीचे बोल्ट,
ये खोलने के लिए ये कायदा खोलना पड़ेगा, इसलिए तीन बोलना है, एक दो एक पीछे तीन, और सामने नजर आ रहा है। ये दोस्तों खुल गया है, ये इसका जो कायदा है खुल गया है। तो इसके नीचे दोस्तों इसके नीचे एक बोल्ट था वाटर पंप का, ये वाला, ये भी इसका वाटर पंप खोलते हैं। हाँ दोस्तों, वाटर बॉडी के सारे बोल्ट खुल गए हैं, तो अभी इसको बाहर निकालते हैं। ये दोस्तों इसकी वाटर बॉडी है। इधर दोस्तों लगेगा रेडिएटर का उतला पाइप और बल्ब फरारा, ये बल्ब फरारा की जगह है। तो इधर लगेगा प्लास्टर का नीचे वाला रेडिएटर का पाइप, यह दोस्तों नहीं है नया वाटर पंप। और इसका टैमक प्लेट भी लीक है, सतर है। चलते हैं दोस्तों, अब इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने से पहले आपने ये सुराख है बंद कर लेना है, ठीक है। इसमें टिश्यू या कपड़ा या कोई चीज़ भी डाल लेनी है, और इसमें भी, दोनों में। तो दोस्तों इसकी सफाई हो गई है, अब ये इसके निकाल लेने हैं जो कपड़ा लगाया था या टिश्यू पेपर आप लगाना। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अभी साफ़ करना है इधर फेस इसका, तो उसके बाद फिर वाटर पंप लगाते हैं। दोस्तों इसका वाटर पंप दो चार बोल्ट लगा दिए हैं, बाकी अभी लगा रहा हूँ। तो दोस्तों जिस तरह खोला था इस तरह ना आपने लगाना है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।